नमस्कार, इंडियन न्यूज डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ में हूं वंदना सरोही। सुनील ग्रोवर को आप जानते होंगे, 46वां आज उनका बर्थडे है। सबसे पहले उनको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। सुनील ग्रोवर की जर्नी के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। सुनील ग्रोवर जिनके पास अभी कुल नेटवर्थ 24 करोड़ का है और हर एक शो के लिए कम से कम 40 से 50 लाख रुपए वो लेते हैं। शुरुआत में जब वो मुंबई आए थे तो एक सपना था उनके मन में, लेकिन मौज मस्ती करने का भी मूड था और एक साल तक उन्होंने केवल मौज मस्ती की। और इस बात को लेकर वो आज पछताते हैं कि जब वो मुंबई में आए थे तो उन्हें लगा था कि बहुत आसानी से यहाँ पर प्रोजेक्ट मिल जाते हैं, और क्योंकि उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है इसलिए उनको लगता था कि शायद बहुत जल्दी उनको काम मिल जाएगा। एक साल तक उन्होंने किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम नहीं किया, केवल घूमते फिरते थे। और उसके बाद ऐसा हुआ कि उनकी सेविंग्स खत्म हो गए और फिर उन्हें एक बहुत ही छोटे से घर में रहना पड़ा, एक रूम लेकर उनको रहना पड़ा। उसके बाद वो बताते हैं कि आटे दाल के जो भाव हैं उनको समझ में आ गए। फैमिली में भी उनको दिक्कतें हुई, उनकी आर्थिक रूप से कमज़ोरी आ गई थी और क्योंकि सेविंग्स खत्म हो गई थी तो उसके बाद काफ़ी दिक्कतें उनको हुई। हालांकि कपिल के साथ जो उनका शो हुआ तो काफ़ी वो हिट हो गए थे। शुरुआत में एक रेडियो का उन्होंने शो किया था और वो काफ़ी हिट हुआ था। जसपाल भट्टी जो कि कॉमेडियन रहे हैं, पंजाब के काफ़ी फेमस रहे हैं, उन्होंने सबसे पहले उनकी नज़र सुनील ग्रोवर पर पड़ी थी और उनकी कॉमिक टाइमिंग को लेकर वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए थे। उसके बाद उन्हें बाकायदा शो दिया गया था जिसमें सुनील ग्रोवर ने बहुत ही शानदार काम किया था। उसके बाद उनका करियर शुरू हुआ, बॉलीवुड में भी एंट्री की बात हुई और मुंबई, हालांकि आपको बता दें कि पंजाब की कई हिट फिल्मों में सुनील ग्रोवर काम कर चुके हैं और अब अच्छी खासी उनकी नेटवर्थ है और फैमिली भी अच्छे से चल रही है। लेकिन कपिल के साथ जो उनके टसल हुए थे उसको लेकर भी काफ़ी विवाद हुआ था। हालांकि कपिल ने बाद में उनसे माफ़ी भी मांगी क्योंकि सुनील ग्रोवर का ये कहना था कि कपिल बाजू उनके सहयोगी होते हैं, उनके साथ जानवरों की तरह सलूक करते हैं। फ्लाइट में भी उनके साथ झगड़ा हुआ था जिसको लेकर काफ़ी फैंस भी निराश हुए थे कपिल शर्मा को लेकर। कपिल शर्मा ने हालांकि उसके बाद माफ़ी मांगी थी लेकिन किकू ने कपिल का सपोर्ट किया था। अब काफ़ी एस्टेब्लिश हैं सुनील ग्रोवर, लेकिन उनका ये कहना है कि एक मैसेज वो अपने फैंस को ज़रूर देना चाहते हैं कि शुरुआत में ही जब आपको लगता है कि आप यंग हैं और अभी बहुत ऊर्जा है आपके अंदर तो आप पूरी एनर्जी के साथ अभी से काम करना शुरू कर दें, बात पर ना टालें कि जो करना है आज करो, कल पर अगर छोड़ोगे तो आपको दिक्कतें होंगी। और इसलिए मुंबई में इनको परेशानी झेलनी पड़ी। हालांकि मुंबई की तारीफ करते उन्होंने कहा कि काफ़ी खूबसूरत ये शहर है और यहाँ पर मुझे जो मुकाम मिला है उसके लिए मैं मुंबई का भी तहे दिल से आभार करता हूँ, लेकिन जितने भी लोगों ने उनका सपोर्ट किया है उनको लेकर भी उन्होंने धन्यवाद किया है। आज मौका है, सुनील ग्रोवर का बर्थडे है, उनके फैंस उन्हें विश कर सकते हैं।